लव्यव्यवस्था अध्याय 17 लव्यव्यवस्था अध्याय 17 बलिदान केवल पवित्र तंबू के सामने करने की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और कुल इसराइलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि इसराइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इसराइली अपने बलिदान जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेलबलि करके बलिदान किया करे, और याजक लोहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी, और तू उनसे कह कि इसराइल के घराने के लोगों में से वा उनके बीच रहने वाले परदेशी में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि वा मेलबलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। लहू की पवित्रता। फिर इसराइल के घराने के लोगों में से वा उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इसराइलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए, और इसराइलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढाप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इसराइलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाए, और चाहे वह देशी हो व परदेशी। जो कोई किसी लोथ व फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे, तब तक वह शुद्ध होगा, और यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा।